हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुबह सुबह नहीं होता नेशनल पार्क में, ठीक है, सुबह होता 6 बजे, 8:30-9 बजा दिए भाई साहब ने। गर्मी तो इतनी है कि बाहर निकले तो पहचान में भी नहीं आएंगे वापस आते समय। क्योंकि शक्ल देख ले हमारी, 12 बजे से भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि टाइम हो रखा है। तो अभी हम लोग है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये पार्क फेमस है बर्ड्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी रहती हैं। धूप है ज्यादा, पता नहीं हम कितना कवर कर पाएंगे। थक गए तो थक के चूर होके हम वापस चले जाएंगे, अगर नहीं थके तो उतना ही घूमेंगे। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, फॉर्मली नोन एज सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, इज अ वेरी पॉपुलर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। Located in Sultanpur Village, Farukh Nagar, Gurugram District in Haryana State. Sultanpur Village is located 40 km from Dhalo Kuan in Delhi and 15 km from Gurugram City on the Gurugram-Jhajjar Highway. This bird sanctuary idols for birding and bird lookers is best visited in winters when many migratory birds come here. Among approximately 1800 migratory bird species out of total approximately 9000 to 10000 species of the bird in the world, nearly 3000 species migrate to India due to seasonal changes, including 175 long distance migration species that uses the Central Asian flyway route, which also include Amur falcons, Egyptian vultures, plovers, ducks, storks, ibises, flamingos, jackanas, pochards, and sociable lapwing. Among these, approximately 250 species of birds are found at Sultanpur Bird Sanctuary. Some of them are resident, while others come from distant regions like Siberia, Europe, and Afghanistan. The bird sanctuary is ideal for birding and bird watchers. It's best visited in winters when a large number of migratory birds come here. Sultanpur has a typical North Indian climate of harsh summer, which goes up to 46 degrees Celsius, and cold winter, low up to 9 degrees Celsius. The rainy season is short, from July to the end of August. दोस्तों, आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पे हिरनों के पैरों के निशान दिख रहे हैं, और यहाँ पर हिरनों ने थोड़ा सा मल भी किया हुआ है। अब इस जंगल में हमें कुछ अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आया, बट इन पैरों के निशानों को देखकर लगता तो है कि यहाँ पर हिरने आई थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस घने जंगल में पहुँच गया हूँ, और आपको दिखाना चाहूँगा मैं। कैमरा मैन उधर घुमा, देखो मैं इस पगडंडी पे पहुंच चुका हूं, और अब मुझे यहां से उम्मीद की किरण दिखती है। मुझे उत्तर दिशा की तरफ बढ़ना है, और वहां मुझे लगता है कि आबादी मिल सकती है इंसानों की। और इस घने जंगल में आप देख सकते हैं, अरे कैमरा मैन उधर दिखा, ये देखिए कितना घना जंगल जिसमें से मैं निकल के आया हूँ। ये अमेजोन के जंगल तो नहीं, लेकिन सुल्तानपुर के जंगल है। तो दोस्तों, देख सकते हैं हम अभी घने जंगलों से, हरे भरे जंगलों से सीधा इस मैदान में पहुंच चुके हैं, जहां पे मुझे अपनी प्याज बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत है। और ये पानी बहुत ही मुझे गंदा दिख रहा है, इसलिए आप अपने घर से ही पानी लेकर आए, घर का पानी स्वच्छ पानी। ये देखिए हमें क्या मिला है, हमें मिला है ढेर सारा मल। इस मल को देख के लगता है कि बिल्कुल ताजा ताजा है, और इससे हमें प्रतीत होता है कि आगे चल के कोई बड़ा जंगली जानवर हमारी राह देख रहा है, आगे बहुत खतरा भी हो सकता है। तो देखते रहिएगा, बने रहिए। The Nilgai, literally meaning blue cow, is the largest antelope of Asia and is very common across the northern Indian subcontinent.
It is the sole member of the genus Boscelophus. The nilgai stands 1 to 1.5 meter at the shoulder. Male weighs around 109 to 288 kgs and the female around 100 to 213 kgs. दोस्तों सामने देखिए, सामने देखिए, सामने हमको एक घर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आबादी है, मुझे आबादी दिख रही है, तो आइए मेरे साथ। ये देखिए जिस जंगली जानवर की हम बात कर रहे थे वो ये है। ये इतने खतरनाक हैं कि भागे तो भगा भगा के मारेंगे। ये है नील गाय। ये जो झोपड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर, आज लगता है कि मैं और मेरा कैमरामैन जो मेरा दोस्त है वहां पर पनाह ले सकते हैं। आज रात हम यहाँ पर आग लगा के खाना खाएंगे। The sambar is a large deer native to the Indian subcontinent, South China and Southeast Asia, that is enlisted as a vulnerable species on the IUCN Red List since 2008. In general, they attain a height of 102 to 160 cm. दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी भी इस वक्त यहाँ जंगलों में घूम रहा हूँ और मेरे चारों तरफ सिर्फ घास ही घास है और अभी तक मैं उत्तर दिशा की तरफ बढ़े जा रहा हूँ। ये उत्तर दिशा पता नहीं कब खत्म होगी। Head and body length varies from 1.62 to 2.7 meters with a 22 to 35 centimeter tail. ये देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। एक तो पॉटी कर रही है, ये सांभर हिरन है, बहुत ही प्यारे होते हैं और साइज में काफी बड़े हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी सांबर तो दिख चुकी है लेकिन भूख बहुत लगी और इडली अभी तक नहीं मिली है। इसका साइज देख रहे हैं, ये बहुत बड़े साइज का है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस वक्त मेरे पीछे गाड़ी की आवाज आ रही है और हम रोड के करीब है और मुझे मेरी मंजिल अब नज़र आ रही है, मैं भी अब घर जा पाऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा सफ़र सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का, जो कि बहुत ही रोमांचक रहा हमारे लिए और आने वाले समय में मैं आपको और भी पहाड़ों पे और जंगलों में लेके जाऊंगा। कैमरा बंद कर मैं।